Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप किसी फार्मा प्राइवेट सेक्टर जॉब के अंदर है तो साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू स्टडी व्हाइल लिविंग ए जॉब इन फार्मा इंडस्ट्री। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे उन्हें लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब के साथ कैसे पढ़ाई करें। देखिए, अगर आप ऑलरेडी इन जॉब हैं दैट इज़ वेरी गुड, और अगर आप वहाँ पर खुश नहीं हैं और अच्छी बेटर जॉब चाहते हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोग जब पढ़ाई करते हैं कॉलेज के अंदर तो वो चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब हो। सभी लोग ये नहीं चाहते, पर कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब मिले। पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके कारण से हम गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई वैकेंसी नहीं होती है। कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, मनी इश्यूज होते हैं, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते हैं कि कब गवर्नमेंट वैकेंसी निकले और मैं कब उसे फिल करूं और उसके लिए क्वालिफाई करूं। तो देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फार्मेसी में करियर होता है फार्मा इंडस्ट्री में, वो बड़ा जो शेड्यूल होता है वो बड़ा टाइट होता है। जो आपके एफर्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लगाना पड़ते हैं आपको एक फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद टाइमिंग इशू भी आपको फेस करना पड़ता है। उसी के साथ आपकी शिफ्ट भी होती हैं तो आप टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ देखिए, डिफरेंट प्रोफाइल भी होते हैं, आप प्रोडक्शन में हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल में हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में हैं, तो उसके साथ साथ आपका जो माइंड सेटअप है वो भी पूरा अलग हो जाता है। उसी के साथ आप देखिए, जॉब भी आपको अपनी सिटी में नहीं मिलती है, जॉब भी जनरली आपको बाहर मिलती है, तो उस कारण से भी आप उस चीज़ को कॉप अप नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अब हम जानेंगे कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करें जिससे आप एक गवर्नमेंट जॉब, यानी जो फार्मा सेक्टर की गवर्नमेंट जॉब होती है, फार्मासिस्ट की, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की या फिर ड्रग इंस्पेक्टर की, उसके लिए आप तैयारी कर सकें। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमारे लिए होता है इम्पोर्टेंट, वो होता है टाइम मैनेजमेंट, समय का सही प्रबंधन। अगर आपने अपना टाइम मैनेज करना सीख लिया या कर लिया, देन आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और फार्मेसी और फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम तो बहुत ही सिंपल और छोटी सी होती है, तो आसानी से आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने वो मूवी देखी हो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ये जो चीज़ है, ये जो वर्ड्स हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आप उतार लें, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर आपका एम है आफ्टर बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, आपने अगर सोचा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है या मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए जाइए, कोशिश कीजिए। अपने आप को एक फार्मा कंपनी के अंदर जाने के बाद बिल्कुल उसे, मतलब बिल्कुल भी अपने दिमाग को बंद मत कर दीजिए, आप कोशिश करते रहिए। क्योंकि या तो आप एक एवरेज लाइफ जिएंगे, ठीक है, या फिर आप आगे कुछ कर पाएंगे। 98% जो दुनिया में लोग होते हैं एवरेज लाइफ ही जीते हैं, और जो 2% होते हैं वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है, और वो जो सपने देखते हैं वो पूरे करते हैं, तो ही वो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट है, उसके बाद जो होता है कंफर्ट जोन, उससे आपको बाहर आना होगा। देखिए, जो कंफर्ट जोन होता है आपका, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं जब आपकी डेली लाइफ होती है, सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना, इतने बजे लंच करना, डिनर करना, सोना, मूवी देखना, तो आप एक कंफर्टनेस महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, यार ये मेरा शेड्यूल है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे तो मुझे हटना ही नहीं है। तो जब आप उस शेड्यूल को अपना लेते हैं, कंफर्टनेस को फील करते हैं, तो फिर आप जो अपनी इच्छाएं उनको दबा देते हैं और कुछ भी आगे जीवन में करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, एक सर्कस का शेर और एक जंगल का शेर, ठीक है, आपने डिफरेंस देखा होगा ना। सर्कस का शेर वही होता है, उसे जो मिलता है वो खाता है, वो हंटर खाता है, वो वहाँ रहता है, बस उसकी लाइफ एक सीमित एक पिंजरे के अंदर हो जाती है, वही हमारी कंफर्ट जोन में लाइफ हो जाती है। और जंगल का शेर फ्री होता है, जहाँ चाहता है वहाँ जाता है, कुछ भी करता है, कुछ भी खाता है, कहाँ भी घूमता है, कहीं भी शिकार करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एक कंफर्टनेस वाली लाइफ के अंदर और एक फ्री लाइफ के अंदर। तो अपनी लाइफ को फ्री रखिए, अपने गोल्स को ओपन रखिए, गोल्स अगर आपने क्रिएट करे हैं तो डिटरमिनेंट रहिए उसको पाने के लिए, ठीक है। और आपको लगता है कि जहाँ पर आप हैं
और आप खुश नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और आगे की ओर बढ़ना होगा, जिससे कि आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। ये जो मेन चीज़ होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, अगर एवरीडे आपको पढ़ाई करनी है तो 4 से 5 घंटे आपको निकालना होंगे। टाइम मैनेजमेंट, देखिए अगर आप पूरे डे को शेड्यूल करें तो देखिए वर्क, आपका जो कार्य है, काम है, अदर इवेंट्स और स्टडी, तो कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे? तो देखिए, काम आपका 8 घंटे का होता है, 7 घंटे की आपकी स्लीप होती है, ओके, 2 घंटे आपके फूड और ट्रेवल जो भी होता है, खाना खाना, आपको ट्रेवल करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, 2 आवर्स आप अदर भी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो 5 घंटे फिर भी आपके बचते हैं उसमें आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। तो ये जो 5 आवर्स होते हैं जो दिन भर में आप बचा सकते हैं उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि डिटरमिनेंट होना है। उसके बाद आपका एक टाइम टेबल बनाना है जिससे कि आप अपना समय निकाल सकें, कितनी बजे आप पढ़ाई करने चालू करने वाले हैं। और 4 to 5 आवर्स की स्टडी बहुत होती है पर डे की, ओके। अब आपको 4 to 5 आवर्स में पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। 4 to 5 आवर की जो स्टडी होती है उसके अंदर देखिए आप 3 आवर्स जो होते हैं, 3 घंटे जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलें, ओके। सबसे पहला काम जो होता है टाइम टेबल बनाना होता है। उसके बाद जितना भी आपका सिलेबस है उसको आप डिवाइड करें, जो आपको बिल्कुल नहीं आता है वो सबसे पहले ही पढ़ाई करें और जो आपको आता है उसको बाद में पढ़ाई करें। तो जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उसके लिए आप स्टार्टिंग 3 घंटे पढ़ना चालू करें, जो सब्जेक्ट है, जो मेन कोर सब्जेक्ट है आपके, ठीक है, या फिर जो आपका टारगेट है, ओके। देखिए, जो फार्मासिस की एग्ज़ाम है तो कोलोजी और सोटिक्स ज़्यादा पूछी जाती है, तो पहले आप उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर अप करें, कोलोजी को और फार्मास्यूटिक्स को। उसके बाद 3 घंटे उसमें पढ़ने के बाद 1 से 2 घंटे जो होते हैं उसमें आप जो चीज़ रिमेंबर करने की होती है, जैसे निमोनिक्स होते हैं, थिंग्स टू रिमेंबर होती है, पॉइंट्स होते हैं कुछ स्पेशल, कोई टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, फ्रेजेस होते हैं, जैसे फार्माकोग्नोसी के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर, ये चीज़ें आप रीड करें। 3 घंटे तो आपने अपनी स्टडी कर ली, 1 से 2 घंटे आपने रिवीजन कर लिया, ये जो वर्ड्स हैं उनको रिवाइज़ किया, और ये 1 से 2 घंटे वाले जो वर्ड्स हैं आपको रोज़ रिवाइज़ करने हैं, ओके। रोज़ आपको उनको रिवाइज़ करना है जिससे कि आपको वो मेमोरी के अंदर इम्प्रिंट हो सके और आपको एग्ज़ाम के अंदर याद आ सके, ठीक है। जो 3 घंटे होते हैं उसमें स्टार्टिंग में आपको कोर सब्जेक्ट पूरे करने हैं, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट्स में से कम आता है सिलेबस वो सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। उसी के साथ फिर देखिए, ये तो आपकी स्टडीज़ हो गई, उसके बाद आप कंपनी के अंदर जो ट्रेवलिंग का जो समय होता है, देखिए वो बहुत लंबा होता है, जनरली फार्मा कंपनियां बाहर आउटर में होती है, तो आपको डेली अप डाउन करना पड़ता है। उसके लिए देखिए, आप सुबह बस के अंदर क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं जो भी आपने 1 से 2 घंटे में निमोनिक्स वगैरह जो भी फ्रेजेस पढ़े हैं उनको आप रिकॉल करिए, अपने दिमाग के अंदर रिकॉल करिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कल क्या पढ़ा था, ओके। उसी के इस वर्ड इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो रिकॉलिंग होती है ना, रिकॉलिंग जो होती है उससे अपनी रिकॉलिंग से जो मेमोरी है वो शार्प होती है और आप उस चीज़ को क्रिएट कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर जिससे आपको वो हमेशा याद रहती है। तो आप बस में बैठे बैठे उसको एटलीस्ट रिकॉल तो कर ही सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ है, आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप कोई ऐप या सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिससे आपको डेली कुछ कंटेंट मिल सके जिसमें आप ट्रेवलिंग के दौरान उसको पढ़ सकें। उसके बाद एक चीज़ और खास है, देखिए आप अलार्म हमेशा डाल के रखें अपने मोबाइल के अंदर कि आपको कौन सी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, हर 3 घंटे या 5 घंटे का अलार्म डालें जिससे आपको बार बार वो अलार्म बजेगा और आपको बार बार दिमाग में आएगा कि मुझे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, ओके। उसके बाद उसके साथ साथ ही आप सोने का, अपने सुबह उठने का, अपने पढ़ाई करने का अलार्म भी उस मोबाइल के अंदर डालें जिससे कि आपको एक रिमाइंडर आता रहेगा कि आपको कब पढ़ना है, कब सोना है। तो सारी चीज़ें एक वेल प्रॉपर फर्निश्ड वे के अंदर आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो देखिए, ये कुछ बातें हैं जब आप एक प्राइवेट जॉब के अंदर हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके एक आसानी से एक फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी कैसे आपको अपना टाइम को मैनेज करना है जॉब के साथ साथ में। और ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।